अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले अंबिया की नबूवत नूं महदूद वक्त ले महदूद लोगों वास्ते अंबिया रही सलातो सलाम तो नबूवत अता फरमाई। कुरान मजीद सानू पिछले अंबिया रही सलातो सलाम की नबूवत के हवाले नाल की ऐलान फरमाता है। पढ़िए कुरान, तवज्जो है, आओ कुरान को पूछने हैं कि कुरान ने पिछले अंबिया की नबूवत को किस तरह साडे सामने बयान फरमाया। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया, व इला समूद अखाहुम सालिह, व इला मदयन अखाहुम शुएब, व रसूलन इला बनी इस्राईल, व लूतन इज़ قَالَ لِقَوْمِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ। اللہ نے فرمایا سی حضرت ہود نو انہاں دی قوم والا نبی بنا کے مبعوث فرمایا، اسی حضرت شعیب نو انہاں دی قوم والا نبی بنا کے مبعوث فرمایا، असी हजरत साले कौम के बरादरी वाले वाल बना के नबी मबूस फरमाया। पर जो बारी यार की नबूवत आई, अल्लाह ने फरमाया हुन कानून बदल जाने, हुन जाबते बदल जाने। अर्ज की अल्लाह हुन कानून की होगा, हुन जाबता की होगा, अल्लाह हुन जेड़ा नबी आएगा ओदी नबूवत किन्ना लोग वास्ते। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे कुरान पढ़ ले, अशी कुरान पढ़िए ते कुरान की दशा। कुरान फरमांदा तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही यकून।